नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूँ यशी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के दामोह में चुनावी रैली की। आपको बता दें, इस दौरान राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों का पैसा अनिल अंबानी की जेब से निकाला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सीतापुर और बाराबंकी के रामनगर के यूनियन इंटर कॉलेज के कैंपस में रैली की। बाराबंकी के कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। कहते हैं राहुल जी एक साल की बात नहीं कर रहे हो। मैंने कहा कितने साल चलेगा? कहते हैं राहुल जी हमने प्लानिंग कर दी है, हिंदुस्तान में जो भी 12,000 रुपए से कम कमाता है, महीने का, साल का नहीं, महीने का, उसके बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 72,000, 5 साल के 3,60,000 रुपए डालेगी। और उस दिन ही, सुनिए सुनिए, ताली मत बजाइए अभी, मैं खत्म नहीं किया। और उस दिन तक डालेगी जिस दिन उस व्यक्ति की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से ज्यादा होगी, उससे पहले नहीं रुकेगा। मतलब नरेंद्र मोदी आगे पीछे जाते सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, यह है कांग्रेस पार्टी का गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक, एक झटका। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं एकदम जैसे जब हमने कर्जा माफ किया था, किसानों का कर्जा माफ किया था यूपीए सरकार में, एकदम खड़े होते कहते भैया पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, भाषणों में कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा। मध्यम वर्ग से कह रहे हैं भैया राहुल गांधी तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा निकालेगा। नरेंद्र मोदी जी और प्रेस वाले आप अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी जी पैसा